अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर व खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं YouTube चैनल दी ए आई ओ यू फैक्ट और मैं हूँ बास अली। आज की वीडियो में इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ स्टूडेंट्स के लिए अपडेट्स हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से हर नई आने वाली खबर बजरिए वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने आज सुबह ही 8 नवंबर की सुबह ही एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें रावलपिंडी सिटी का जो एरिया है वहां पर प्रोटेस्ट की वजह से, धरनों की वजह से जो एग्ज़ाम्स थे 2022 के और जितने भी प्रोग्राम्स के एग्ज़ाम्स हो रहे थे वो कैंसिल कर दिए थे। तो वहाँ पर 8 नवंबर और 9 नवंबर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो कैंसिल कर दिए थे और उनकी जो डेट भी बता दी थी कि वो कब इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी लेगी। तो वो मैंने आप लोगों को वीडियो के ज़रिए बता भी दिया था कि किस डेट को जो है वो आप लोगों के एग्ज़ाम्स होंगे, जो रावलपिंडी सिटी के इलाके में जितने भी स्टूडेंट्स हैं और वहाँ पर जिनका रीजनल ऑफिस हैं उन तमाम स्टूडेंट्स के जो पेपर थे वो कैंसिल हो गए थे। लेकिन बाकी पूरे पाकिस्तान में बाकी जितने भी एरिए हैं और चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके एग्ज़ाम जो थे वो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी शेड्यूल के मुताबिक ही लेने का फ़ैसला किया था। बाकी पूरे पाकिस्तान में इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपने शेड्यूल के मुताबिक ही एग्ज़ाम्स लेने का फ़ैसला किया था, लेकिन क्योंकि कल 9 नवंबर है और आप लोगों को पता है कि 9 नवंबर जो होता है वो इकबाल डे होता है, तो कल के हवाले से वफाकी हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें पूरे पाकिस्तान में तालीमी अदारे और बाकी जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं और प्राइवेट इदारे हैं उनको बंद करने का फ़ैसला किया है और एक छुट्टी का ऐलान किया है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी अपने वफाकी हुकूमत के अंडर ही एक इदारा है और वफाकी हुकूमत के अंदर ही काम करता है, तो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कल के जो पेपर है वो पूरे पाकिस्तान में अब कैंसिल हो जाए। लेकिन अब तक जब तक कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट पर कोई इस तरह का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया कल की छुट्टी से, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी थोड़ी देर तक या कल तक जो है पेपर, कल का जो पेपर है पूरे पाकिस्तान में उसके कैंसिल के हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी कर देगी, और अगर नहीं कैंसिल करना तब भी कोई इस तरह का नोटिफिकेशन जो है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जारी करेगी। तो वो नोटिफिकेशन भी मैं इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा और मज़ीद पेपर भी, अगर जिस तरह रावलपिंडी में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अगर पूरे पाकिस्तान में इस तरह के कोई प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं तो फिर आप लोगों के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो पोस्टपोन कर दे या इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी फ़िलहाल कैंसिल कर दे और इसकी जो डेट है वो बाद में अनाउंस करे। और इस तरह से कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं वो भी आप लोगों को वीडियो के ज़रिए आगाह कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।